नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला से जुड़े हुए हैं और अभी हम हैं देश की राजधानी में। और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ रूबरू हुए हैं आपसे जो पिछले 10 सालों से पैदल चल रहे हैं, वो भी नंगे पांव। और उनके नंगे पांव चलने का मकसद यह है कि किसी भी राज्य में हमारे देश के कहीं भी चाइल्ड लेबर ना हो, कहीं भी बच्चों को काम ना कराया जाए और अधिक से अधिक बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो एक ये संस्था भी चलाते हैं। आइए हम बात करते हैं अजय चंद्रोली जी से, जो कि पिथौरागढ़ से हैं। जी, थैंक यू सो मच भैया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। बेसिकली जो हमारा कैंपेन है एजुकेशन ऑन व्हील्स, ये एंटी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बैगिंग के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरे के पूरे देश में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से मुक्त होकर शिक्षा से ज्वाइन करें। तो इसी के लिए हम लोग लास्ट 10 ईयर से एंटी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बैगिंग पे काम कर रहे हैं, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा देश जो है वो बाल श्रम और बाल भिक्षा से मुक्त हो जाए। ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक 17,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने इसके माध्यम से रेस्क्यू भी किया है और कोशिश की है कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ें। और पिथौरागढ़ जो कि हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड, जहाँ से हम हैं, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं और मैक्सिमम जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं इससे छूट भी गए। तो ये जो हमारा जर्नी है अभी उत्तराखंड से शुरू हुआ, देन केरला तक पहुँचा और केरला के बाद आज हम दिल्ली में हैं। जी, आप, मैं जैसा आप देख पा रहा हूँ कि आप नंगे पैर चलते हैं, ये कितने सालों से चल रहे हैं आप? मुझे बेयर फुट वॉक करते हुए अभी नियरली 10 ईयर्स, 10th ईयर चल रहा है और मैं अभी तक मोर देन 1 लाख किलोमीटर का जो जर्नी है वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इसके पीछे का मोटिव यही रहता है कि मैं हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहूँ, लोगों की परेशानियों को समझूँ और जो मेरा काम है, जो मैं जिस टारगेट को मैं लेके चल रहा हूँ, निरंतर उससे जुड़ा रहूँ। आप लोगों से कैसे मिलते हैं और जब लोग आपको, खासकर बच्चे आपको ऐसे देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? पहले वो बताएं कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं। मिलने के लिए हमारी एक टीम है जो लगातार लोगों से बात करती रहती है और मैं मैक्सिमम जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों से और जो यूथ ग्रुप्स हैं उनसे मिलने का काम करता हूँ। और इसके अलावा उनको बताता हूँ कि कैसे वो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। सोशल क्लब्स हम लोग फॉर्म करते हैं क्योंकि ये वन मैन वर्क नहीं है, सबको मिलके ही इस पे काम करना है। और थोड़ा सा मोटिवेटिंग और थोड़ा सा अलग रहता है बच्चों के लिए जब वो देखते हैं कोई बेयर फुट वॉक कर रहा है। बट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि जब साउथ में गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने बेयर फुट वॉक करते हुए देखा, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो लोग भी ऐसे करते हैं। बट नॉर्थ इंडिया में ये नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर एक मोटिवेशनल रहता है बच्चों के लिए भी और कनेक्ट करने में हेल्प करता है उनको मुझसे। रोज़ाना कितने बच्चों से मुलाकात हो जाती है? कम से कम 600 से 1000 बच्चों से रेगुलर हर दिन मिलने का मौका मिलता है और इसके अलावा काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। ओके, तो उसका आउटकम क्या रहता है? जैसे मुलाकात होती है तो वहाँ बच्चों को क्या क्या बताया जाता है और इवेंचुअली क्या? बेसिकली हम लोग बताते हैं कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बैगिंग क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों को, और जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं सोशल क्लब्स के माध्यम से हम उनको लोकल जितना भी हमारा सिटीज़ है, जगह हैं, वहाँ पे जो बच्चे स्लम्स में हैं या आउट ऑफ स्कूल्स हैं उनको वहाँ पे हम लोग रिकवर करने की जो कोशिश है वो करते हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल तक पहुँचाते हैं। और ये बहुत बड़े लेवल पे कारगर साबित हो रहा है। कितने बच्चे अभी जुड़ चुके हैं अभी सोशल क्लब्स हैं आपके? हमारे मोर देन 200 क्लब्स हैं और इन क्लब्स में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, मैं गिनती तो नहीं बता सकता ऐसे, लेकिन मोर देन 1000 बच्चे हैं जो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है जो कि कन्वर्जेंस में हेल्प करता है। जी, अभी आप दिल्ली पहुँचे हैं और अभी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों को क्या क्या बता के जाएंगे अभी आप? दिल्ली के लोगों को यही बताना है, पिछले आज 3rd डे है दिल्ली में और दिल्ली में सबसे पहले हमने चांदनी चौक में नियरली 18 किलोमीटर्स का बेयर फुट वॉक किया था, लोगों को सेंसिटाइज भी किया एंटी चाइल्ड लेबर चाइल्ड बैगिंग के लिए। और कल हमने इंडिया गेट में बहुत सारे युवाओं से बात करी और सबके मन और मस्तिष्क का एक ही उत्तर था कि हमको जो है कैसे भी हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस को या अच्छे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो दिल्ली वालों को यही बोलना है कि अगर कहीं आपको ऐसे बच्चे काम करते हुए मिलें तो उनको थोड़ा सा मना ज़रूर करें और अगर आपको कोई बच्चा मांगता हुआ दिखता है तो उसे भीख तो बिल्कुल भी ना दें, एजुकेशन देने का काम करें या 1098 पे जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है CWC का, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, उससे बच्चों को कनेक्ट करें। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट पे एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि वो उन बच्चों को रेस्क्यू करके शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली में अभी कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किन स्कूलों में, कॉलेजेस में? दिल्ली में बेसिकली हम लोग, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, हम लोगों ने 4-5 जगह कर लिया है। आज हम CP में हैं, पूरा राजीव चौक हमने कवर करना है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी हम लोग कवर करेंगे, सबसे ज़्यादा चीज़ें वहीं पर ये होने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा JNU भी हमारा जाना हुआ और अभी हंसराज कॉलेज और JNU में हमारे अपकमिंग 1-2 दिन में प्रोग्राम्स भी हैं। और उसके अलावा हमारा प्रयास है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी मंडे को हमने मीटिंग करनी है। तो ये थे हमारे अजय ओली जी, जो कि पिथौरागढ़ से पैदल चल रहे हैं अभी और अभी इन्हें जम्मू कश्मीर तक जाना है और शायद आप 2-3 दिन और रुकेंगे दिल्ली में ना, 2-3 दिन में
ये दिल्ली से निकलेंगे जम्मू कश्मीर की, और इनकी जो मुहिम है वो चाहते हैं कि इनकी जो भी मूवमेंट इन्होंने चलाया है, कोई भी बच्चा भीख ना मांगे और चाइल्ड लेबर बिल्कुल से ख़त्म ही हो जाए। और ये इनकी एक मुहिम है जो कि पिथौरागढ़ से चली आ रही है और अभी ये बहुत आगे तक जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर तक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जुड़े रहिए आप नई खबरों के साथ, मैं फिर से लौटूंगा आपके साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।